फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बथुए की कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम बथुआ लिया है, इसको काट कर धो लिया है, साफ़ करके अच्छे से धो लिया है इसको। 100 ग्राम चने की दाल ली है, इसको आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। ये कुछ सूखे मसाले लिए हैं, खड़े मसाले, इसमें 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, 5-6 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। आधे प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है, 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लिया है और 10-12 लहसुन की कलियां हैं। अब हम इन सबको एक कुकर में डालकर सबसे पहले बथुए के पत्तों को डाल देंगे, फिर चने की दाल डाल देंगे, लहसुन, अदरक और सारे खड़े मसाले डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमारे बथुआ भी पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें। लगभग 2 कप के करीब पानी डाला है। अभी हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे तो बथुए से भी पानी छूटेगा। अब हम इसको गैस पे चढ़ा के 4-5 सीटी लगा लेंगे। कुकर को एक प्रेशर आने दिया है, उसके बाद मीडियम आंच पर 5-7 मिनट तक कुक कर लिया है। फिर कुकर को अपने आप ठंडा होने दिया है। जब कुकर की गैस रिलीज हो जाए तो उसे खोल कर देखेंगे, अगर उसमें पानी हो हमारे ये बैटर अच्छे से कुक हो गया है, इसमें पानी नहीं है। अगर पानी बचता है तो उसे तेज आंच पर हम सुखा लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अगर आपके इसमें पानी बचता है कुकर में तो आप तेज आंच पर उसको सुखा लीजिएगा। अब हम इसमें तेज पत्ते को निकाल देंगे। और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हल्का सा ठंडा करके, चाहे तो आप मिक्सी में पीस लीजिए या फिर सिल पे पीस लीजिए। अब हम इसको सिल पर या मिक्सी में अच्छे से महीन पेस्ट बना लेंगे। हमने अपने दाल और बथुए के मिक्सर को अच्छे से पीस लिया है, अच्छा पेस्ट बना लिया है। इसको बहुत अच्छे से पीसना है, जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे वो भी अच्छी तरह से पीस जाएं। अब इसमें हम कुछ मसालों को ऐड करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर पिसी हुई, 5-6 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है, थोड़ी सी हरी धनिया को बारीक कट कर लिया है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अपने बैटर में ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, गरम मसाला ऐड कर देंगे, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, प्याज और धनिया। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने उबलते हुए में डाला था, अगर आपको कम लगे तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं। ये हमारा मिक्सर अच्छे से रेडी हो गया है। अच्छी तरह से मिक्सर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इनको गोल कबाब का शेप देकर शैलो फ्राई कर लेंगे।
अब हम अपने हाथों में हल्का सा तेल लगाकर इसको कबाब का शेप दे देंगे। ये हम इनको कबाब का शेप दे देंगे, छोटा बड़ा आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप चाहें तो धनिया मिर्ची और प्याज को अंदर फिलिंग की तरह भी भर सकते हैं। मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। ये मैंने अपने कबाब को शेप दे दिया है। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए हम गैस पर एक पैन रखेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम अपने कबाब को तल लेंगे। मीडियम आंच पर हम इसको तलेंगे ताकि हमारे कबाब अच्छे से क्रिस्प हो जाए। एक साइड से तल जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। अब हमारे कबाब एक साइड से तल गए हैं। अब हम इनको टर्न कर लेंगे। बहुत ही केयरफुली टर्न करना है। ये बहुत ही यमी और डिलीशियस होते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से तल लेंगे। अब हमारे कबाब दोनों साइड से सिक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और बहुत ही केयरफुली अपने कबाबों को निकालना है। ये हमारे कबाब अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। इन्हें आप सलाद के साथ सर्व करिए। इसे रोटी और पराठे और पूरी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही यमी लगता है। आप इसे ज़रूर बनाइए और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।